हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया स्तुति के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी आपके प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया आपके कृपा के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु। आपने हमारे लिए जो कीमत दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। आपके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद हो पिता। हालेलुया 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 स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु। आपके हर एक आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 प्रभु। हमारी योग्यता से बढ़कर प्रभु जी, हमारे मांगने से ज़्यादा प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु जी। आपके चरणों में आकर प्रभु जी आपकी स्तुति करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए दिए हुए सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धीर बार बशुरे धीर बार बार बखदुरे धीर बार 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, स्तुति के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। महिमा के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया 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 धन्यवाद हो धन्यवाद हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद हो। महिमा के योग्य प्रभु आपका धन्यवाद हो, स्तुति और आदर के योग्य प्रभु आपका धन्यवाद हो। हालेलुया स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। सेनाओं के राजा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, एक और बार फिर आपके चरणों में आने के लिए आपने हमें सहायता किया प्रभु जी। आपने दिए हुए सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम इस योग्य नहीं कि हम आपके चरणों में आ सके, लेकिन आपने हमें योग्य बनाया है प्रभु जी। प्रभु आपके उस अपार कृपा के लिए, आपके उस अपार दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपसे और भी प्रेम करने के लिए प्रभु आप हम प्रत्येक को सहायता कर प्रभु। जब आज आपके चरणों में है प्रभु जी, कुछ देर जब आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी, आपसे बातें करने के लिए प्रभु हम प्रत्येक को आप सहायता कर प्रभु जी। आपकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु हम प्रत्येक को सहायता कर प्रभु जी। प्रभु हम जो भी महिमा देते हैं प्रभु जी, जो भी बातें हम प्रभु जी, जो भी विनती हम आपके सामने रखते हैं प्रभु, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु। आप सहायता कर प्रभु जी, आप सहायता कर प्रभु, हम प्रत्येक को सहायता कर प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत नंबर 110 हम गाएंगे। गीत नंबर 110 तेरा हूँ।
जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार, रख मुझको 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 ऐ मसीह, जहाँ चश्मा पर फिर से गाएंगे, पास तेरा हूँ, तेरा हूँ ए रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार, जहाँ चश्मा क्रूस है।
चलिए कुछ देर हम आंखों को बंद करके परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, 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 स्तुतियो, स्तुतियो, स्तुतियो। हमने गीत में तो गाया है, प्रभु मुझे आपके पास रहना है, उस चश्मे के पास रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जब भी उस परमेश्वर के क्रूस के पास आते हैं, परमेश्वर के उस क्रूस को हम जब देखते हैं, उसका प्रेम हमें दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितना हम उस क्रूस के करीब आते हैं, हमें परमेश्वर का उतना ही प्रेम मालूम चलता है। हालेलुया, हालेलुया, उसने कितना हमारे लिए कीमत बहाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद हो, प्रभु आपके दिए हुए कीमत के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। हम आपके इस प्रेम के योग्य नहीं, आपके उस प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु जी, उस प्रेम में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रभु, आपके उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, हमेशा आपके उस प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु जी, उस प्रेम में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रभु, आप सहायता कर प्रभु, आप सहायता कर प्रभु। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, 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 स्तुति हो, स्तुति हो। आइए हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन सीखने से पहले हम कुछ विषयों को याद करके प्रार्थना करें, खास करके हम दुनिया भर की परिस्थिति को देखकर, दुनिया भर के लोगों को याद करके हम प्रार्थना करें। जब इस बड़े तूफान का सामना करते समय में परमेश्वर ने एक एक को हिम्मत देना है, कोई भी टूटकर निराश ना हो, लेकिन इस तूफान के द्वारा अपने आप को और मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने एक एक को सहायता करना है। इसे दुनिया भर के लोगों को याद करते हुए, उनके जीवन को याद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, दुनिया भर की एक परिस्थिति को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में से गुजरते समय प्रभु जी, हालेलुया, आप एक एक को आवश्यक हिम्मत दे, आप एक एक को आवश्यक बल दे, ताकि प्रभु जी आने वाले तूफानों का वो सामना कर सके प्रभु। कोई भी प्रभु इस तूफान के द्वारा टूटने ना पाए, बिखरने ना पाए, लेकिन प्रभु जी आप वो हिम्मत दे प्रभु जी, आपको जानने के लिए प्रभु जी आप सहायता कर प्रभु। इन दिनों में प्रभु जी एक आत्मिक चंगाई प्रभु हम आपसे मांगते हैं, जो पूरे दुनिया में प्रभु, जो लोग प्रभु सच्चाई को नहीं जानते हैं, उन सभी के पास तक प्रभु आपका वो आत्मिक चंगाई पहुंचने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु, इस घटना के द्वारा हर एक जन प्रभु आपको ताकते हुए प्रभु आपके और करीब आने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु। इसके द्वारा उनका जीवन बर्बाद ना होने पाए, लेकिन प्रभु इसके द्वारा जीवन में दोबारा अपने पैरों में प्रभु अच्छी तरह खड़े होने के लिए प्रभु, आप में प्रभु दृढ़गढ़ प्राप्त करते हुए खड़े होने के लिए प्रभु, अभी एक एक को सहायता कर, एक एक को सहायता कर। जो लोग अभी तक प्रभु सच्चाई को नहीं जानते हैं प्रभु, लोग भी इस घटना के द्वारा प्रभु जी आपको जानने के लिए प्रभु, अपना सच्चाई को प्रभु जी पहचानने के लिए आप एक एक को सहायता कर प्रभु जी, एक आंखों को प्रभु आप खोल प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खास करके उन लोगों को याद करते हुए जो इसका दुनिया भर में अलग अलग जगहों में वॉलंटियर्स की तरह काम कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें परमेश्वर ने उन्हें आवश्यक ज्ञान और दिलेरी देना है, परमेश्वर ने उन्हें मदद करना है, उनके परिवारों को भी सहायता करना है। जब उनके प्रियजन इतना खतरा में होते समय में, पर वो परिवार जब अपनी तरफ से इतना बड़ा कुर्बानी देते समय, हम प्रार्थना करें इसके बदले में परमेश्वर ने उन्हें बहुत आयत में आशीष देना है, और जो भी काम वो करते हैं परमेश्वर ने उसमें उनकी मदद करना है। इसे दुनिया भर के वॉलंटियर्स को याद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो,
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। एक एक वॉलंटियर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, दुनिया के कोने कोने में प्रभु जी अपने जान को जोखिम में डालते हुए प्रभु जी, जब आप प्रभु काम करते समय में प्रभु अपने देश की रक्षा के लिए काम करते समय में प्रभु जी आपसे विनती करते प्रभु, जिस भी जगह में है जो भी काम कर रहे हैं प्रभु उसमें आपका प्रभु कृपा होने पाए प्रभु जी, आपकी आशीष उन लोगों तक पहुँचने पाए प्रभु जी, आपकी सुरक्षा प्रभु उन लोगों तक पहुँचने पाए प्रभु जी, उनके परिवार वालों को भी आप उसकी हिम्मत दीजिए, आप उसे दिलेरी दीजिए प्रभु जी, ताकि वो जब इस कठिन परिस्थिति में होते समय में प्रभु जी आप उनके साथ रहे प्रभु जी, आपकी शांति प्रभु एक के पास होने पाए प्रभु, आप सहाय करो, जो काम कर रहे हैं उसको उन्हें आवश्यक ज्ञान और समझ दे प्रभु जी, सरकार जो काम कर रही है प्रभु उसमें आप उन्हें समझ और ज्ञान दीजिए प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया प्रभु, आपने जिन्हें जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में रखा है, जिस भी एरिया में जिस भी जिम्मेदारी के साथ रखा है प्रभु, अपनी जिम्मेदारी को प्रभु अच्छी रीति से निभाने के लिए प्रभु आप एक एक को सहाय कर प्रभु, सहाय कर प्रभु, हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खास करके दुनिया भर के सेवकों को याद करते हुए, इस परिस्थिति में भी बहुत से सेवक लोग अपने सेवकाई में लगे हुए हैं, कोई भी छुट्टी लेकर घर में नहीं बैठा है, जिस जिस जगह में जिस परिस्थिति में उन लोग हैं उस परिस्थिति में लोगों की मदद करने के लिए अलग अलग माध्यमों के द्वारा लोगों के पास तक वचन पहुंचाने के लिए मेहनत करते समय में हम प्रार्थना करें परमेश्वर ने उन्हें मदद करना है, आवश्यक ज्ञान और समझ देना है, इस समय में कलीसिया को जो ज़रूरत वाला मन्ना है वो मन्ना लोगों तक पहुँचाने के लिए परमेश्वर ने एक एक को अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करना है, जैसे दुनिया भर के सेवकों को याद करते हुए उनकी सेवकाई को याद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो, स्तुति हो स्तुति हो, धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु, दुनिया भर के सेवकों को प्रभु आपके हाथ में सौंप दे प्रभु, हालेलुया प्रभु, जो काम आपने उन्हें दिया है प्रभु, जिस सेवकाई के आपने उन्हें चुना है प्रभु, उस सेवकाई के प्रभु अपने अंतिम श्वास तक प्रभु वफादारी के साथ बने रहने के लिए आप सहायता कर प्रभु, बेशक परिस्थितियां प्रभु जो खराब है प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आप उन्हें ज्ञान दीजिए, ताकि अपने दिए हुए कलीसिया के अंदर प्रभु लोगों को कैसे आत्मिक तौर पर दृढ़ करना है, लोगों तक कैसे वचन पहुंचाना है प्रभु जी, उन सभी चीज़ों में प्रभु जो मेहनत वो करते समय अपने आप सुधार और समझ दे प्रभु, उनके द्वारा आप कार्य कर, उनके द्वारा कलीसिया से प्रभु आप बातें करें प्रभु, उनका कोई भी काम व्यर्थ ना होने पाए, लेकिन प्रभु जी बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु, आप सहायता कर, एक एक को सहायता कर प्रभु, आवश्यक ज्ञान और समझ प्रभु आप एक एक को दीजिए, हालेलुया हालेलुया प्रभु, आप सहायता कर प्रभु, आप सहायता कर, हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो, स्तुति हो स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खास करके एक एक विश्वासियों को याद करते हुए, बहुत से विश्वासियों ने अपना प्रार्थना का विषय भी दिया है इन दिनों में, जब सब अपने घरों में होते समय में वचनों को सीख रहे हैं, उन्होंने प्रार्थना मांगा है परमेश्वर ने वचन को सीखने के लिए उन्हें मदद करना है, आवश्यक ज्ञान और समझ देना है, बहुत से लोगों को अभी तक पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं मिला है, अकेले अकेले जब अपने अपने घरों में होते समय में परमेश्वर के चरणों में बैठे होते समय परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा का भरपूरी एक एक विश्वासियों को मिलना है, जिन लोगों को वचन अभी तक सीख नहीं पा रहे थे उनको अच्छा समय जब मिला है, इस समय का अच्छा उपयोग करके वचन उन लोगों ने सीखना है, परमेश्वर के साथ के संबंध में और करीब आने के लिए, अपने जीवन को जांचने के लिए परमेश्वर ने एक एक विश्वासियों को सहायता करना है, मदद करना है, आवश्यक ज्ञान देना है, इसलिए हम एक एक विश्वासियों को याद करते हुए, उनके जीवन को याद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो प्रभु, एक एक विश्वासियों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हालेलुया प्रभु, जब घर में अकेले अकेले होते समय में प्रभु जी प्रभु, बहुत से लोग अपने परिवार में अकेले विश्वास में आए हैं प्रभु, लेकिन जिस भी परिस्थिति में है प्रभु, आत्मिक तौर पर बलवत होने के लिए प्रभु आप एक एक को सहायता कर प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी कमजोर ना होने पाए, लेकिन ये समय प्रभु उनके लिए आत्मिक दिलेरी का कार्य होने के लिए प्रभु जी, आत्मिक उन्नति का समय होने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु, जिन लोगों को पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं मिला प्रभु, लोग पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु जी, प्रभु आपकी आत्मा के वरदानों के साथ भरने के लिए आप एक एक विश्वासियों को सहायता कर प्रभु, एक एक रूप आप सहायता कर, नौजवानों के बीच में आप कार्य कर प्रभु, एक एक बच्चों को प्रभु आप सहायता कर प्रभु जी, प्रभु ये समय प्रभु जी इसको व्यर्थ में बर्बाद करते हुए नहीं, लेकिन प्रभु जी समय का अच्छा इस्तेमाल करते हुए प्रभु आपके और करीब आने के लिए, आपके उस प्रेम को और करीबी से जानने के लिए प्रभु आप एक एक को सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया प्रभु आप सहायता कर प्रभु, आप कृपा कर प्रभु, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, कुछ देर आपके चरणों में जब आए हैं प्रभु, आपकी स्तुति करने के लिए, आपसे विनती करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें दिया हुआ सौभाग्य के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, जो प्रार्थना विषय हमने आपके सामने रखा है प्रभु, हमें विश्वास है आपने हमारी प्रार्थनाओं और विनतियों को सुना है प्रभु जी। जो भी विषय हम आपके सामने लेकर आते हैं, आप हमारे हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। आपसे विनती करते हैं आपके उस जवाब का प्रभु जी, जवाब को सुनने के लिए प्रभु जी। आप हम प्रत्येक को सहायता कर प्रभु जी, वो सब्र प्रभु आप हमें दीजिए, ताकि आपके उत्तर को हम समझ पाए प्रभु जी, आपकी आवाज़ को हम समझ पाए प्रभु जी। दिनों में दुनिया में हालत जो बिगड़ते समय में प्रभु जी, निरंतर हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते रहने के लिए प्रभु आप हमें सहायता कर प्रभु जी। हम प्रत्येक के प्रभु जी आंखों में आप आंसू दे प्रभु, हमारे घुटनों में आप ताकत दे, ताकि निरंतर आपके चरणों में हम बैठ सके प्रभु जी। और भी प्रार्थनाओं में समय बिताने के लिए हम प्रत्येक को सहायता कर प्रभु जी। आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए हम प्रत्येक को सहायता कर प्रभु। जब आपके वचन को हम सीखते हैं, वचन को जब सुनते हैं प्रभु जी, आप हमारे हृदयों को खोल, आप हमारे कानों को खोल, ताकि हम आपके वचन को सुन सके प्रभु। सिर्फ आपके वचन को सुनने वाले ही नहीं, लेकिन उसके अनुसार चलने के लिए भी प्रभु आप हम प्रत्येक को बना प्रभु जी। उसके अनुसार प्रभु आप हमें ताकत दीजिए, उतना आप हमें ज्ञान दीजिए प्रभु जी। दिया वैसे अच्छे समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आगे का समय भी आपके हाथ में देते हुए विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। इन दिनों में जो हम विषय सीखने जा रहे हैं, सबसे पहला एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के वचन का महत्व, इस विषय पर हम ध्यान लगाएंगे। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब बहुत से विश्वासी दुनिया के लोगों की तरह ही बहुत परेशान, निराश और हताश भी है। नाम के लिए तो हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं। विश्वासी का मतलब हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करकर स्वीकार किया है। लेकिन जब जीवन को देखते हैं, दुनिया और एक विश्वासी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस प्रकार संसार परेशान है, वैसे ही एक विश्वासी भी परेशान है। संसार अपनी समस्याओं के लिए, छुटकारे के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, विश्वासी भी उसके जीवन में आए समस्याओं से परेशान होकर वो प्रार्थना करता है। और उसके प्रार्थना का लक्ष्य कैसे ना कैसे, प्रभु मेरी समस्याएं हल हो जाए, ताकि मैं बड़े आराम से जीवन बिता सकूं। इसी एक लक्ष्य को रखकर आज बहुत से विश्वासी चल रहे हैं। तमन्नाएं तो बहुत हैं, लेकिन जब जीवन को देखते हैं, निराश है, परेशान है, जीवन एक संघर्ष बना हुआ है। और फिर जब जीवन में समस्याएं बहुत आ जाती हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारी समस्याएं दूर हो जाए। दूसरों के पास जाकर अपनी समस्याओं को बताते हैं, ताकि दूसरों की प्रार्थनाओं की सहायता से समस्याएं हल हो जाए। हमारा जीवन ऐसा क्यों है? उसका मूल कारण एक विश्वासी अपने जीवन की कीमत को समझता नहीं। वो ये ग्रहण करने को तैयार नहीं कि मैंने एक को अपने जीवन में प्रभु कर माना है। बोलना तो आसान है कि यीशु मेरा प्रभु है, गाना गाना तो आसान है, लेकिन उसको प्रभु कर दिल में मानना और उस विश्वास के साथ चलना एक आसान बात नहीं है। यदि हमने एक को प्रभु कर माना है, तो हमने उस बात को समझकर अपने जीवन को व्यतीत करना। आज बहुत से लोग अपने जीवन को बर्बाद कर चुके और अब चाहते हैं कि लोग प्रार्थना करें। ध्यान रखें, हमारा जीवन बहुत कीमती है। परमेश्वर ने हमें
अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हमारी तरह दुनिया में और कोई नहीं है और हम ये नहीं जानते कि हमारे जीवन में और कितने क्षण बाकी हैं। हमें एक दिन छोड़कर जाना है। जिसने हमें बनाया उसने हमारी तरह किसी और को नहीं बनाया। उसके लिए एक उदाहरण है, भारत सरकार ने जो आधार कार्ड का सिस्टम चलाया। सरकार लोगों की आंखों की तस्वीर और उनके हाथों का निशानी क्यों ले रहा है? कारण सबको मालूम है, हमारी तरह या मेरी तरह इस संसार में ना तो कोई आया ना ही कभी आएगा। मैं कितना कीमती हूँ हम एक एक ने अच्छी तरह समझना है। इसलिए उस जीवन की कीमत को समझने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है। लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को गंभीर तौर से लेते नहीं, बहुत हल्का समझते हैं, उसकी कीमत समझ नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में गलातियों की पत्री में साफ साफ लिखा गया, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। जो हम बोते हैं वो हमें काटना ही है। ये एक वचन बहुतों के लिए कड़वा है। वो सोचते हैं कि हम चाहे जैसे भी चलें, गलतियां करें, बस अपनी गलती को मानने की देरी है, सब बातें ठीक हो जाएंगी। ध्यान से समझें, परमेश्वर का वचन जब कह रहा है या परमेश्वर जब स्वयं कह रहा है धोखा ना खाओ, धोखा ना खाने का मतलब जो आपने बोया है वो तो आपको काटना ही है। इस बात को अगर हम समझ लें तो हमारे चाल चलन में कितना फर्क आएगा। इधर हम ध्यान से निर्गमन 24 का 4 हम पढ़ते हैं। निर्गमन की पत्री 24वां अध्याय उसका 4वां वचन में लिखा है, तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इसराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभा भी बनवाए। यहाँ मैं एक ही बात पर ध्यान देना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। परमेश्वर ने अपना वचन या अपनी आवाज हमें लिख कर क्यों दी है? हर एक विश्वासी ने इस बात को गंभीर तौर पर समझना। हमारे हाथ में जो पुस्तक है, 66 किताबें हमारी भाषा में अनुवाद होकर हमारे हाथ में मिला। अगर दुनिया बाइक्लिफ ट्रांसलेटर्स के अनुसार 2016 में संसार में लगभग 7,000 भाषाएं हैं और ये बाइबल एकमात्र किताब है जो सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसकी तुलना में और कोई किताब अभी तक इतनी भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ। फिर भी इन लगभग 7,000 भाषाओं में 531 भाषाओं में ही बाइबल के 66 किताबों को पूरा का पूरा अनुवाद किया गया। 1,329 भाषाओं में नया नियम को अनुवाद किया गया और आज के दिन लगभग 1,023 भाषाओं में बाइबल के कुछ भागों को अनुवाद किया गया। कुल मिलाकर इन लगभग 7,000 भाषाओं में 4,018 भाषाएं अभी भी हैं जिनमें एक भी वचन अनुवाद नहीं हुआ। मैंने ये आंकड़े आपके सामने क्यों पढ़कर सुनाए? कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे हाथ में परमेश्वर का पूरा वचन हमारी भाषा में अनुवाद होकर मिला। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने अपने आवाज को, अपने वचन को मेरे समझने वाली भाषा में मेरे हाथ में दिया। मैं इसको यूनानी में या इब्रानी में या आरामी में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी भाषा में इसको पढ़ सकता हूँ। बाकी दुनिया में बहुत से धार्मिक ग्रंथ हैं लेकिन उसकी तुलना में परमेश्वर का वचन इतना सरल,
इतना स्पष्ट मेरी भाषा में मेरे हाथ में परमेश्वर ने क्यों दिया? कीमत भी अगर हम देखें तो लगभग 150 या 200 रुपए में 66 किताब। इसके बदले हम प्रभु को क्या दें? फिर भी दुख की बात, आज बहुत से लोग इस वचन को सस्ता समझते हैं, फिर अपनी मर्जी से चलते हैं और उनका सोच है जैसे मर्जी मैं चलूं, कल बस मैंने अपनी गलती मानना है और बाप है, मुझे प्यार करता है, मुझे माफ कर देगा और सब ठीक हो जाएगा। भूल जाते हैं वो बाप है। बाप का मतलब जो शब्द उसने कहा, हम उसको गंभीर तौर पर ना ले तो भी बाप उस बात को गंभीर तौर पर लेता। उसने अपना वचन हमें दिया ताकि हम उसके आवाज को समझ सके। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय जब हम देते हैं, उधर हम स्पष्ट परमेश्वर के वचन के उन शब्दों को ध्यान दें। उधर लिखा गया शब्द इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 5वां पद मैं पढ़ रहा हूँ। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे खुड़के तो साहस ना छोड़। इधर लिखा है और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हैं। बहुत से लोगों का सोच है कि मसीह जीवन कष्ट है, परेशानियों से भरा है। वचन साफ साफ जब हम पढ़ते हैं, एक यथार्थ हमारे सामने आता है। मसीह जीवन कष्ट का जीवन नहीं, आनंद का जीवन है। बहुत से लोग सोचते हैं जो यीशु के पीछे चला उसके जीवन में बहुत कष्ट आएंगे। भूल जाते हैं कि दुनिया के लोगों को जो कष्ट है उसकी तुलना में एक विश्वासी को कष्ट नहीं। कईयों को ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी बन चुकी है कि ये रास्ता बहुत कठिन है, जबकि सच्चाई सबसे आनंद का रास्ता मसीह का रास्ता है। जितना आनंद एक विश्वासी को मिलता है, दुनिया उस आनंद के लिए तरसती है। दुनिया कितने कष्ट में से जा रही है, उसका आधा का आधा कष्ट हमें नहीं। उदाहरण समझाने के लिए, हमारे मुस्लिम भाई बहन साल में कितने दिन उपवास लेते हैं, वो थूक तक अंदर नहीं लेते, लेकिन हम विश्वासी उसकी तुलना में कितना कष्ट सहते हैं। एक समय का खाना छोड़ना हमारे लिए कितना मुश्किल है। बाकी अन्य धर्मों में भी आप देखें, तीर्थ स्थानों में जाने का कितना कष्ट और त्याग लोग सहते हैं। अपने खाने के ऊपर कितनी पाबंदी है, अपने जीवन शैली में उन्होंने कितना अनुशासन रखा है, उसकी तुलना में एक विश्वासी का जीवन का अनुशासन, उसका त्याग कहाँ। फिर भी सोच है कि मसीह जीवन सबसे कष्ट भरा है। मसीह जीवन आनंद का है क्योंकि इसके मूल में हम समझते हैं मेरा सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है, वो मेरा बाप है, वो मुझे मित्र के तौर पर देखता है। मेरे जीवन में मैं परमेश्वर से सीधा बात कर सकता हूँ, बीच में कोई बीचवाई नहीं है। परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, इससे बढ़कर और क्या, कितने बहुमूल्य वायदे हमारे लिए हैं, संगति के लिए लोगों को दिए हैं, अगुवाई के लिए प्रभु के दासों को दिया। फिर भी एक विश्वासी का जीवन इतना कष्ट भरा क्यों? कारण वचन हाथ में है तो भी उस वचन को मानता नहीं। इसलिए इधर स्पष्ट लिखा गया है और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमारे हाथ में हमें पुत्र समझ कर दिया। जरूर है जीवन में विषय आते हैं, आप चाहे परमेश्वर पर विश्वास करें या ना करें, दुनिया में कौन है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं हैं।
एक विश्वासी जिसने यीशु को अपना प्रभु कर माना है, वो अपने जीवन में आने वाले विषयों को समस्या के तौर पर नहीं देखता, वो इन चीजों को चुनौतियों के तौर पर देखता है। इस कारण उसका जीवन चुनौती भरा है, संघर्ष भरा नहीं। दुनिया संघर्ष करती है, परेशान है, निराश है, इसलिए उनको बीच में शराब पीना पड़ता है, या फिर फिल्म देखना पड़ता है, या फिर कोई खाने में आनंद करता है, क्योंकि जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है। इसलिए आजकल योगा पर इतना दबाव जोर डाला जा रहा है ताकि थोड़ा आराम मिल जाए। उसकी तुलना में एक विश्वासी का जीवन कितना आनंद का है। लेकिन इतनी निराशाएं और समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि पुत्र है। अगर पुत्र ना होता तो बात कुछ और थी। परमेश्वर ने अपना वचन हमें पुत्र समझकर हमारी भाषा में दिया, लेकिन हम जब उसके वचन को या उसके शब्दों को गंभीरता से ना लें तो जीवन में बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। इन दर्द से बचने का एक ही तरीका, उसके वचन को गंभीरता से लें, उसके वचन को समझने के लिए समय लें। अब हमारे हाथ में परमेश्वर ने अपना वचन दिया, मैंने सिर्फ एक ही काम करना, इस वचन के सामने सच्चे मन से आना है। आज बहुत से लोग बोलते हैं, हम वचन तो पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। कई कहते हैं, बाइबल लेकर जब हम बैठ जाते हैं तो हमारा ध्यान नहीं लगता। कई औरों का है कि हमें बड़ी नींद आती है। बाकी सब बातों के लिए उनके पास समय है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ध्यान लगाने के लिए समय क्यों नहीं? ये गंभीर विषय है। दुनिया से बात करने के लिए बहुत समय, टेलीफोन में बात करने के लिए बहुत टाइम, लेकिन प्रभु के सामने बैठने के लिए समय नहीं है। इसका कारण मेरा मन है। मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता, इसका दोषी मैं ही हूँ। मैं आज इतना परेशान क्यों? किसी और की गलती नहीं, मेरा खुद का गलती है। मेरे सामने जब वचन है, इस वचन के सामने आते वक्त पहले से ही अपना विचार बना कर ना आए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता। हम जब इस वचन के सामने आए, एक सच्चे मन से आए, अपनी बाप की आवाज सुनने की उस मनसा के साथ, उस तैयारी के साथ अगर हम आकर बैठे, तो क्या हमारा बाप हमसे बात नहीं करेगा? कई बार हम परमेश्वर की आवाज सुन क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमने ठान लिया है, मैंने तेरी आवाज नहीं सुनना, तूने मेरी आवाज सुनना है, लेकिन मेरे को तेरी आवाज सुनने के लिए समय नहीं। आज हम ऐसे एक समय में रह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को लोगों के इच्छा के अनुसार तोड़ा मरोड़ा जा रहा। वचन कुछ और कहता है, लेकिन लोग कुछ और तरीके से उसे समझते हैं। पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 23वां अध्याय, उसके 24वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। दोबारा पढ़ता हूँ, मत्ती 23:24, हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। प्रभु यीशु उस समय के फरीसियों को देखकर कह रहा। फरीसी एक ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को या व्यवस्था को बारीकी से देखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, चलाते हैं, लेकिन चलते चलते उनके स्वभाव के बारे में, वो तो अंधे अगुए हैं जो मच्छर को तो छान डालते हैं, यानी छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देते हैं, लेकिन बड़े बड़े विषयों को निगल जाते हैं। इसी प्रकार आज भी हम बहुत से विश्वासियों को देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा, उस बात को गंभीरता से ना लेने के कारण
उनका चाल चलन, उनका सोच विचार दुनिया के लोगों के सोच विचार की तरह ही है, सिर्फ नाम के वास्ते विश्वासी। बाइबल है हाथ में, गाने का किताब भी है, प्रार्थना भी है, रविवार को आराधना में भी जाते हैं, लेकिन चाल चलन को देखे तो वचन क्या कहता है और मेरा उठना बैठना कैसा है, इसमें कितना अंतर है। ये अंतर का मूल कारण मैंने खुद ठान लिया है कि मुझे इस वचन के अनुसार नहीं चलना, मुझे ये सत्य नहीं चाहिए, मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता हूँ, कैसे न कैसे मेरे मन की कामनाएं पूरी हो जाएं। इसलिए वचन को हल्का लेने के कारण, चाल चलन दुनियावी होने के कारण जीवन में इतने दुख में डूबे हुए हैं। ध्यान रखें, आकाश बदल जाएगा, पृथ्वी बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बदलने वाला नहीं। दुनिया में, सारी सृष्टि में केवल एक ही चीज है जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया, वो केवल परमेश्वर है। और क्योंकि परमेश्वर में कभी बदलाव नहीं, परमेश्वर के वचन में भी कोई बदलाव नहीं है। इसलिए मैंने इस वचन के सामने आते वक्त उसकी गंभीरता को समझना है कि मैंने इस वचन को जैसे इसमें कहा गया है उसके अनुसार चलना है। ये मनुष्य के द्वारा लिखा गया किताब नहीं, बाकी संसार में जितने भी किताबें हैं हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन उन किताबों में और ये जो पवित्र वचन हमारे हाथ में है, इसमें अंतर, ये मनुष्य का लेख नहीं, ये मनुष्य को बनाने वाले का लेख है। 40 से ज़्यादा कलमों को हाथ में लिया, लगभग 1600 साल लगे, लेकिन लेखक केवल एक ही, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद है। इसलिए जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैं पौलुस की विचारधारा को नहीं पढ़ रहा या मूसा के सोच को नहीं पढ़ रहा, मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा हूँ। इसलिए मैंने उसको गंभीरता से लेना है। परमेश्वर मेरे से खुद बात कर रहा है, किसी और से नहीं, मेरे से स्वयं बात कर रहा है। सो इसलिए मैंने समय निकालना है ताकि मैं परमेश्वर की आवाज को समझ सकूं, परमेश्वर मेरे से क्या कहना चाह रहा है। इसलिए मुझे अपने जीवन में समय निकालना है। अगर मैं समय ना निकालूं, ध्यान रखें, कल यही वचन हमारा न्याय करेगा, तब हमारे पास कोई और बचने का चारा नहीं। मैं इस वचन के सामने जब आऊं तो सच्चे मन से मैंने आना है, क्योंकि जिस आत्मा ने इस वचन को लिखा है, जरा सोच कर देखें, दुनिया में हम किताबें खरीदते हैं, किताबों के ऊपर लेखक का नाम लिखा होता है, लेखक के विचारों को हम पढ़ते हैं, लेकिन कोई लेखक आपके साथ घर में आकर उसने जो लिखा है आपको पढ़कर नहीं समझाएगा। उसकी तुलना में जरा देखें, जिस आत्मा ने इस वचन को लिखा है वही परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके अंदर है। अगर मैं सच्चे मन से इस वचन के सामने बैठूं तो क्या परमेश्वर की आत्मा मेरे को अपना वचन खोलकर नहीं देगा? मेरे साथ इसलिए है ताकि मुझे हर सच्चाई में चलाए। मैंने प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, तेरी आत्मा मुझसे बात करे ताकि मैं तेरे वचन को समझूं। हम लोग ध्यान रखें, वचन हाथ में है और हमें प्रार्थना करने का सौभाग्य भी प्रभु ने दिया है। प्रार्थना में हम किसी गुरु से नहीं प्रार्थना करते, अपने सृष्टिकर्ता से, और अब्बा हे अब्बा कर पुकारते हैं। लेकिन प्रार्थना एक गंभीर विषय है, हमने उस बात को समझना है। परमेश्वर के वचन में जो बातें स्पष्ट तौर से लिखी गई हैं
उन विषयों के लिए हमें दोबारा प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, हमने उस विषय के अनुसार चलना है। उदाहरण, वचन में कुरिन्थियों की पत्री में स्पष्ट लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। लेकिन आज कई विश्वासी हैं जो अविश्वासी के साथ शादी की बात सोचते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। ध्यान से देखें, जब वचन ने स्पष्ट कहा है, आप यदि प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको आपकी इच्छा में छोड़ देगा। वचन में उसके लिए सबूत बिलियाम है, पुराने नियम में बिलियाम जो प्रभु का दास था, उसके सामने एक विषय आया इसराइल को शाप देने का। पहले जब वो प्रार्थना किया, परमेश्वर के आत्मा ने साफ उससे बोल दिया नहीं जाना। लेकिन फिर बिलियाम के अंदर इच्छा थी, वो फिर दोबारा प्रार्थना करने के लिए जब बैठ गया, परमेश्वर की आत्मा ने उसे जाने की अनुमति दी। ध्यान से सोचे, पहले जब प्रार्थना किया परमेश्वर ने बोला नहीं जाना, लेकिन दूसरी बार जब प्रार्थना करने लगा परमेश्वर की आत्मा ने उसे जाने को बोल दिया। कारण, परमेश्वर उसके दिल की इच्छा को जानता। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। यदि आपने अंदर ठान लिया कि मैंने परमेश्वर के वचन को मानना नहीं है, मैंने अपनी ही इच्छा करनी है, तो सर्वज्ञानी परमेश्वर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा। परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता। यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आपकी इच्छाओं में छोड़ देगा और फिर कल रोकर पछताकर फिर फायदा नहीं, क्योंकि आपने खुद फैसला किया था कि मैंने अपनी इच्छा में चलना है। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसके 15 वचन में लिखा है, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसके 15 में लिखा है, हे सीधे मार्ग को छोड़कर, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलियाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। कहीं ये वचन मेरे से तो नहीं कह रहा? जब मेरे सामने सीधा परमेश्वर का वचन है, मैं उससे क्यों भटक रहा हूं? बिलियाम की तरह वो मार्ग पर हो लिए हैं। बिलियाम की तरह मतलब अंदर लालच था, इसलिए उनका लालच उन्हें लेकर गया, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना है। इसी के साथ साथ यहूदा की पत्री भी मैं पढ़ रहा हूं, यहूदा की पत्री उसका 11वां वचन में लिखा है, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलियाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। दोबारा पढ़ रहा हूं, उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलियाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध कर कर नष्ट हुए। इसी के साथ प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 14 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें करनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलियाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बाला को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई की वस्तुएं खाएं और वे विचार करें। ध्यान रखें, बिलियाम की शिक्षा, बिलियाम की हालत, प्रभु का दास, उसका अंत कैसे? प्रार्थना किया, शुरू में प्रभु ने बोला नहीं, फिर उसी प्रभु ने उसे जाने को बोला। कारण तय कर लिया था, मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहिए। इसलिए आप ध्यान दें, मैंने और आपने इस विषय को ध्यान देना है कि मेरा मन कैसे है। मैं जब परमेश्वर के वचन के सामने आ रहा हूं, परमेश्वर का वचन मुझे आजकल खुलकर क्यों नहीं मिलता?
कई लोग हैं हर रोज परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, समय निकालते हैं, दो अध्याय, एक अध्याय, कई तो क्रम लगा, क्रम के अनुसार एक साल में पूरा बाइबल पढ़ने का प्रोग्राम बनाकर चल रहे हैं। अच्छी बात, लेकिन एक सवाल, आप रोज पढ़ते तो हैं लेकिन अगर आपको वचन समझ में नहीं आता, एक आयत भी समझ में नहीं आता, फिर ये पढ़कर फायदा क्या है? हम परमेश्वर का वचन क्यों पढ़ रहे हैं? क्या साल में इसको एक बार खत्म करने के लिए? कई लोग हैं जो 50 बार बाइबल पढ़ चुके हैं, रोज भी आज पढ़ते हैं, लेकिन समाचार पत्र पढ़ने में ज्यादा समय, समाचार पत्र में लिखी गई बातें बड़ी अच्छी तरह याद रहती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा गया एक आयत भी याद नहीं होता। क्यों? अपने बाप की आवाज हमें इतना मीठा लगता है कि याद ही नहीं होता। समय है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान दें, ताकि परमेश्वर का सजा पढ़ने के पहले हम सतर्क हो जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रभु ने हमें खोल कर देना है, तो सबसे पहले हम अपने चाल चलन को ध्यान दें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे हाथ में परमेश्वर ने खुद अपना वचन हमारे समझने वाली भाषा में दिया है। 150 या 200 रुपए में मिला, कितने हजारों भाषाएं हैं जिसमें एक भी शब्द अनुवाद नहीं हुआ, लेकिन मेरे हाथ में जो बाइबल है पूरा का पूरा अनुवाद हो गया। मैं यूनानी में नहीं पढ़ रहा, इब्रानी में नहीं, मेरी भाषा में। मेरा जीवन कितना आशीष का हो सकता है अगर मैं परमेश्वर के वचन को उतना कीमत दूं। हालेलुया। प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। बाप, इन दिनों में तेरे वचन की उस कीमत समझने के लिए हमने एक एक को सहायता कर, हम एक एक को सहायता कर, ताकि हम समय निकालें, तेरी आवाज की इंतजारी में बैठें, तेरे कहे हुए वचन पर हम ध्यान लगाएं। प्रभु, दूसरे लोग हमारे बारे में कड़वे बातें करते वक्त हम कितना ध्यान लगाते हैं, लेकिन प्रभु, उन आदतों को छोड़कर तेरे मीठे वचन पर ध्यान लगाने के लिए, पुत्र समझकर तूने जो वचन हमारे हाथ में दिए उनको समझकर, जीवन में आने वाली चुनौतियों से ना भागते हुए उन चुनौतियों को सामना करने के लिए हम एक एक को सहायता कर, तेरी आशीष एक एक पर हो। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।